दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मिल्खा सिंह जी के बारे में, जिन्हें हम द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1929 में तब के हिंदुस्तान और अब पाकिस्तान में स्थित गोविंदपुरा में हुआ था। 1947 में हुए भारत पाकिस्तान बंटवारे में इनके परिवार को मार दिया गया था। उसके बाद ये भारत में आ गए थे। दोस्तों ये एक भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे, जिन्हें भारतीय सेना में सेवा के दौरान खेल से परिचित कराया गया था। मिल्खा सिंह एशियाई खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में भी 400 मीटर में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र एथलीट हैं। उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने मेलबर्न में हुए 1956 के ओलंपिक, रोम में 1960 के ओलंपिक और टोक्यो में 1964 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों जिस दौड़ के लिए मिल्खा सिंह जी को सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो है 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर फाइनल में उनका चौथा स्थान। उन्होंने 200 मीटर के निशान तक दौड़ का नेतृत्व किया। इससे पहले कि वे आगे जाते दूसरों ने उन्हें पास कर दिया। दोस्तों उस दौड़ में कई रिकॉर्ड टूट गए थे। अमेरिकी ओटिस डेविस को जर्मन कॉल कॉफमैन पर एक सेकेंड के 100वें हिस्से से विजेता घोषित किया गया था। मिल्खा सिंह का 45.73 सेकेंड का चौथा स्थान लगभग 40 वर्षों का भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। दोस्तों मिल्खा सिंह भारत देश में एक खेल के प्रतीक बन गए हैं। 2008 में पत्रकार रोहित ब्रजनाथ ने मिल्खा सिंह को भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन एथलीट बताया था। दोस्तों उनकी खेल उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों मिल्खा सिंह 18 जून 2021 को भले ही दुनिया छोड़कर चले गए हों, लेकिन द फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह जी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। टीम मिक्स माइंड्स उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती है।